स्पेशल यूट्यूब के साथ मैं हूँ नवीन अली और आज मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही ठेकेदार जोरदार पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले सुनने वाला कहता है कि हैं बिल्कुल जी आबिद बॉक्सर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मसरूफ और तंग वक्त में से आपने मुझे नहीं, कोई नहीं, मैं अपने बेटे के लिए अवेलेबल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई मसरूफियत भी नहीं है। तो अब हाल ही में एक बहुत बड़ा वाकया आपके ऊपर गुजरा और उसके बावजूद आपके चेहरे पर ये खूबसूरत स्माइल है। ये वाकया जब हुआ तो उसके वक्त आपने फौरी तौर पे क्या रिएक्शन था, आपके ज़हन पे क्या था? मैंने सबसे पहले 15 पे कॉल की। अच्छा, तो 15 पे कॉल करने के बाद क्या हुआ? मैंने उनको कहा ये मेरा घर है, ये मैं हूँ और ये फायरिंग हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब बड़ी मेहनत की बात है। अच्छा, तो सर ये उस वक्त ये सारी सूरत हाल को किस तरह से आपने निपटाया? कुछ नहीं, देखे आप, मैं जब मैंने नौकरी शुरू की, पुलिस मुकाबले शुरू किए, तो मैं हर वक्त, देखे घर पे फायरिंग होना इसलिए थोड़ा सा है, मेरे बच्चे थे, मैंने जिंदगी में मेरी बीवी थी, बच्चे थे और मेरे वो मुलाजमा जो वो भी मेरी बेटियों और बेटों जैसे हैं, तो अच्छा नहीं हुआ बस वो इसलिए मेरे पे होती। देखें मैंने अपनी जब नौकरी शुरू की, मैंने बेशुमार पुलिस मुकाबले किए, तो आप देख समझ सकती हैं कि बेशुमार दफ़ा मुझ पे फायरिंग हुई, मैंने फायरिंग की, बेशुमार बंदे वो जो खूनी दरिंदे थे वो मेरे हाथों मारे गए, तो खौफ वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं। तो लेकिन जब वो घर पे बच्चों पे हुई तो थोड़ा सा मैंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। बहसीयत कला आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों, तो आप जितनी मर्जी सेंसिटिव हो या बच्चों के मामले में आपके जज्बात मुख्तलिफ, हाँ जी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को ऐसा सुना है दुश्मनदार हो, ज़र्फ वाला हो, कम ज़र्फ हो, ऐसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। और किया भी उसने जो जो मेरी बीवी को बहन कहता था, बच्चों को भतीजा कहता था, अच्छा नहीं लगा। नॉर्मली केसेस में ये देखा जाता है कि बाद में लोग माफ कर देते हैं, सजा नहीं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये देखें, ये तो आप ये तो रवैया देखना है मैंने पुलिस का, देखें मैंने सबूत देने हैं। अब एक इंस्पेक्टर की इंक्वायरी इंस्पेक्टर कैसे कर सकता है? ठीक है, अब मेरी गुजारिश है CCPO साहब से JIT बनाए, दो SP साहब हों, एक DSP हो, साबित मैंने करना है, साबित शुदा है। अब साबित शुदा है मैंने लाहौर को एक बहुत बड़ी तबाही से इसलिए बचाया कि ये अब से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले ये एक बहाना बन गया। फ्यूचर में यहाँ पे पर्चियाँ मिलनी थी लोगों को कराची की तरह, ये मेरा वक्त, ये मेरी रिकॉर्डिंग संभाल के बचे रखना, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको काम आएगी। यहाँ पे तो वो पर्चियाँ मिलनी थी, लोगों के घरों पे फायरिंग होने, तो मैंने स्टैंड लिया, मैंने दूसरों को भी कहता हूँ स्टैंड ले। आप बताएं, एक पिस्तौल खान मर्डर हुआ था, ठीक है, उसका भतीजा सब्जाजार में मर्डर हुआ, तो उसका जो कातिल है फैजान, वो राशिद अमीन के घर पे रहा, ठीक है, और उन्होंने आके पुलिस को कंप्लेंट की, जब उन्होंने कहा कि जी आप तहरीरी बयान दें, तो वो बेचारे तहरीरी बयान से भाग गए। तो मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क ओपन किया है, फ्यूचर में साबित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, साबित होने पर माफी का कोई चांस तो नहीं? काहे की माफी, मेरे पे करते शायद मैं माफ करता, मैं अख्तियार रखता था, मेरा कानूनी शरी ये हक था उनको माफ करने, बच्चों पे हुई है तो ये अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा आबिद साहब मुझे ये बताइएगा, वैसे तो आपका नाम सुन के हर शख्स डरता है, वाकई डरता है, ये मैं जानती हूँ कि आप वाकई एक खुश मिजाज रूबी है इसके अंदर, इस जिस्म के अंदर खुश मिजाज रूबी है, लेकिन मुझे ये बताइएगा आप किसी से डरते हैं? अगर आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, अल्लाह से तो हर बंदे को बतौर मुसलमान डरना चाहिए और डरता भी हूँ, लेकिन आपका इशारा जो है वो शायद मेरी बीवी की तरफ है, ठीक है, नहीं आपको गलतफहमी है कि डरना मरना क्या होता है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपनी बीवी से, आपके जहन में ये है कि मैं डरता हूँ, तो ये गलत है, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। ओह माय गॉड,
डॉक्टर भी रिवाइवी मर्दों की तरह बहुत ज्यादा घर में रहना नहीं है क्या हो गया आपको बिल्कुल अगर मैं ये कहता कि मैं डरता नहीं हूँ तो आपने भी नहीं मानना था और पब्लिक ने भी नहीं मानना था और मेरा अच्छा खावन होने का सबसे बड़ा ये सबूत है कि मैं डरता हूँ तो जब दोनों के दरमियान लोग जो होती है तो मनाते कौन है लो, मेरी जुरत है कि मैं उसको ना मनाऊं तो हर दफा मैं ही मनाता हूँ तो ये जो आपकी जिंदगी में एक डर है जी। ये डर का सानिया कब और कैसे पेश आया शादी के फौरन बाद अच्छा। जब मेरा रिश्ता हुआ वो पहले तो जब मेरा एक दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंगनी टूटी जब उन्हें पता चला वो इंस्पेक्टर आबिद के लिए रिश्ता आया एस एच ओ लोहारी था जबरदस्त आबिद मार्केट का मालिक अकलौता बेटा वो गाड़ी और लश पाश तो उसी वक्त रिश्ता हो गया मंगनी तैयार हो गई कुछ अरसे बाद फोन आ गया कि आपका पूरा नाम बेटा क्या है मैंने कहा जी आबिद हुसैन नहीं नहीं पूरा नाम मैंने कहा आबिद हुसैन अच्छा आपके महकमे में कोई आबिद बॉक्सर भी है अब मुझे समझ आ गई कि रात फाश हो गया तो फिर मैंने उनको कहा जी मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ तो सिंपल इतना मैसेज आया कि बेटा ये हम मंगनी का वो तारीख थोड़ी चेंज कर रहे हैं और आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो तो आप अच्छे बच्चे हो तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करो वो दो तीन मंगनियाँ टूटी जब ये रिश्ता आया तो फौरी तौर पर मैंने ना वो मंगनी वाले दिन ही निकाह पढ़वा लिया फिर अल्लाह के हवाले आपने सोचा इससे पहले ये हाँ ये भी टूट गया तो अच्छा तो सर आपका लिविंग स्टाइल क्या है मतलब नाश्ते में क्या होता है और ये सारा सिस्टम कैसे चलता है मतलब टेबल आपकी इकट्ठी लगती है पूरी नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपने अपने टाइम पे उठते हैं अपने अपने टाइम पे वो नाश्ता करके चले जाते हैं फिर मैं उठता हूँ असल में मैंने सोना होता है लेट तो उठता भी लेट हूँ तो वो हल्का सा नाश्ता करके फिर खाना दोपहर का और रात को वो मैं इकट्ठा खा लेता हूँ और उसके बाद फिर रात को सोने से पहले मैं एक्सरसाइज जरूर करके सोता हूँ तो ये जो बच्चों के साथ आपका खेलना कूदना क्या है कौन से बच्चे के साथ कितना होता है ना कोई माँ बाप अपने कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लाडला होता है तो आपका कौन सा बच्चा ज़्यादा मेरा सबसे बेटा छोटा जो है वो मूसा है मेरी थोड़ा सा मेरी तारीख पैदाइश है 6 सितंबर अच्छा मेरी बीवी की तारीख पैदाइश है 6 सितंबर मेरी शादी 6 सितंबर और मेरा बेटा जो मूसा है वो भी 6 सितंबर को पैदा अच्छा। हुआ मेरे तीन बेटे हैं माशाल्लाह दूसरा बेटा जो है वो मैं माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ और मेरी सात पुश्तें जो माँ की तरफ से थी हम एक बहन भाई आ रहे हैं तो मैं हज करने गया तो रात को हमें एक दोस्त थे सूफी अनवर साहब उन्होंने कहा आपको ज्यारतें करवाते हैं वो मुझे और मेरी बीवी को हज़रत हमजा सरकार के रोज़े पे लेके गए तो जब मैं गया रात को 12-1 बजे तो वहाँ पे ठीक मुझे टाइम मिल गया दुआ करने के लिए भी और वहाँ पे रश नहीं था तो मैंने उनका जब वो देखा उनका वो जहाँ पे वो दफन थे तो मैंने एक दुआ की कि मेरे अल्लाह आपको हजूर पाक सरकार बहुत पसंद है आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हो और वो अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे तो इनके मोहब्बत के सदके मुझे बेटा दे दूसरा उस वक्त मेरा एक बेटा था अब्दुल्ला तो वो फिर मेरा बेटा मेरे हज से 1.25 साल बाद ईद मिलाद नबी वाले दिन पैदा हुआ ठीक है हम लोग क्या करते हैं मुहावरा तन कहते रहते हैं ओ जी मंगो तेसरा मैंने अपने दिल से जो मांगा वो अल्लाह ने मुझे दिया देखिए मैंने अपने आप को कंपेयर मलक रियाज साहब से नहीं करना मैंने अपने आप को कंपेयर करना है अपने बैचमेट से अपने जो कुलीग मेरे साथ खेला करते थे जो मेरे कुलीग मेरे साथ वो बैठ के गप्पे मारते थे अल्लाह ने मुझ पर बहुत रहमत की अल्लाह ने मुझ पर बहुत एहसानात किए अल्लाह ने मेरी जिंदगी मेरे रिजक मेरी औलाद मेरे मेरी रिस्पेक्ट में इजाफा किया और मैं तो इतना ही अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है।